अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमने लिया है चिकन। इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के मुताबिक नमक, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच भर के, और यहाँ पे हम टिक्का मसाला डालेंगे 2 चम्मच। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे 2 चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। और 1 चम्मच लाल मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 नींबू निचोड़ेंगे। इसकी जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी हमने फूड कलर डाला लेकिन वो लाल मसाले की वजह से दिखा नहीं होगा आपको। और दही डालेंगे, मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है तो पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हमारे चिकन के पीसेस को इस तरह से फ्राई करेंगे। एक साइड से 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम 2-3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। यहाँ पर हमने लिए कढ़ाई, इसके अंदर हमने डाला है 1/2 कप ऑयल। हमने यहाँ पे 4 प्याज को इस तरह से कट कर लिया है, इसे डालेंगे। चिकन के पीसेस को भी पलटा लेंगे। तो ये चिकन के पीसेस हमारे सेक चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह बाकी के जो चिकन के पीसेस है उसे भी फ्राई करेंगे। प्याज को हमने 3-4 मिनट इस तरह से सेक लिया है। हमने यहाँ पे 4 टमाटर को मिक्सर में पीस लिया है, उसका पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। दो से तीन चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। टिक्का मसाला डालेंगे, 1 चम्मच भर के डाला है, और 2 चम्मच लाल मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कप से थोड़ा कम दही डाला है। आपको इसके अंदर जितनी ग्रेवी चाहिए इस हिसाब से आप दही और टमाटर का पेस्ट भी उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। हमने जिस जार में टमाटर को पीसा था उसे में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। और हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा मसाला जो बच चुका है वो इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमने जो चिकन को फ्राई किया था उसे हम इसके अंदर डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला एकदम रेडी है। इसे हम इसका गैस बंद करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आपको इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी वगैरह चाहिए तो आप इस हिसाब से पानी भी डाल सकते हैं।
तो ये देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला इस रेडी। ये बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आपको पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इस तरह से ट्राई करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है और इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।